हेलो गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का शोरमा की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं या कभी और। तो रेसिपी जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम हमारा खबूस रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे गरम पानी आधा कप। इतना गर्म होना चाहिए कि आप अपनी फिंगर उसमें डिप कर सके। ये देखें, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर उसमें डालेंगे एक टीस्पून शक्कर और एक टीस्पून ईस्ट। ईस्ट मतलब खमीर, ये आपको इजीली कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक का हमारी शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। फिर हमें इसमें डालना है 2 कप मैदा। आधा टीस्पून सॉल्ट डालेंगे इसमें, नमक, और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। और फिर इसे अच्छे से एक बार हाथ से मिला लेंगे सारे चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छे से एक आटा गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा गीला नहीं, ज़्यादा सख्त नहीं, नॉर्मल जैसा सॉफ्ट गूंदना है हमें। स्टार्ट में थोड़ा ही पानी डालना है, क्योंकि आधा कप पानी हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए। ये देखिए, ऐसे एक सॉफ्ट मैंने आटा ऐसे गूंद ली हूँ। अब इसे हमें 30 सेकेंड इसे अच्छे से थ्रो करना है बाउल में, ताकि हमारा जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए, 30 सेकेंड इसे अच्छे से हमें फेंकते रहना है। फिर 5 मिनट हमें इसे अच्छे से प्लेटफॉर्म पे भी गूंद लेना है, ऐसा फैला फैला कर, ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और जल्द से जल्द हमारा ईस्ट फूक जाए। ये प्रोसेस में से आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छा बनता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और घर का बना हुआ बहुत बेटर होता है। अब जैसा मेरा 5 मिनट आटा को गूंद के हो गया था, तब हम एक बाउल में डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे अच्छे से हम ब्रश कर लेंगे चारों कोने में। फिर हम हमारा आटा रख देंगे और इसे ढक देंगे और इसे राइज होने के लिए छोड़ देंगे साइड पे। जब तक ये फूल नहीं जाए, तब तक हमें इसे हाथ नहीं लगाना है। तब तक हमारा हम बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली हूँ 200 ग्राम चिकन, जिसको मैंने ऐसे लंबा लंबा छोटा काट कर ले ली हूँ। इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हमारे बेसिक मसाले हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, धनिया, उसका मेजरमेंट स्क्रीन पर लिखा है। और फिर हमारे दूसरे मसाले रेड फूड कलर, काली मिर्च, गर्म मसाला, ज़ीरा पाउडर और चिकन मसाला। चिकन मसाला नहीं है तो आप मैगी क्यूब डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून तेल। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालना इसमें ऑप्शनल है। फिर एटलीस्ट इसको 15 मिनट हम मैरिनेट करने रखेंगे। तब तक हमारी सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 मिक्सर ग्राइंडर ले ली। उसमें हम डालना है 1 कप मेयोनीज, आधा कप दही या 3 टेबलस्पून ले लीजिए, और 6 से 7 लहसुन लेना है, 2 टेबलस्पून सेसमे सीड वाइट तिल, 1 टीस्पून ऑरिगेनो लेना है, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून तेल डालना है हमें इसमें। और इसे अच्छे से एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेना है हमें। ये देखिए, हमारा शोरमा की सॉस बनकर एकदम रेडी है। 15 मिनट हो चुके थे, तब हम हमारे चिकन को पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाली वो 3 टेबलस्पून तेल और उसमें हमारा पूरा चिकन का मैरिनेट डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, और पूरा चिकन को अच्छे से सेपरेट कर लेना है। फिर इसे ढक कर पका लेंगे जब तक हमारे चिकन पक नहीं जाते। 7 मिनट के बाद मैंने इसे खोली तो चिकन हमारे पक चुके थे, तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो उसे हम ड्राई कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटी प्याज और आधी शिमला मिर्ची, इसे लंबा लंबा काट के। ये ऑप्शनल है, आपको ये नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर लें। और इन सबको डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि एक स्मोकी फ्लेवर आए। फिर 3 से 4 मिनट हो चुके थे इसे रोस्ट करते हुए, तब हम हमारा गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए, तब तक का हमारा ये राइस हो चुका था पूरा, देख सकते हैं कितना बढ़िया राइस हुआ है। फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और फिर अच्छे से इसे फैला लेंगे। और फिर हमारा ये जो डो हमने तैयार किया था वो रखेंगे और इस पर भी थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से एक लंबी रोटी में बेल लेंगे। थोड़ा तीखे रखना है, क्योंकि हम इसे खबूज बना रहे हैं।
फिर एक छोटी कटोरी ले लेना है और उससे हमें एक सर्कल कटआउट कर लेना है, जितना हमें खरबूज चाहिए हमारा छोटा मिनी शोरमा है तो मिनी मिनी खरबूज बनाएंगे हम। तो ये देखिए मैंने इससे एक कटोरी की शेप में कट कर ली, ये देखिए ऐसा सर्कल बनकर तैयार है। ये देखिए हमारे छोटे छोटे खरबूज बनकर तैयार है। अब ये जो बाकी आटा है इसे हम अच्छे से फिर से रोल कर लेंगे, रोटी बेलेंगे और इसको भी कटआउट कर लेंगे, वेस्ट कुछ नहीं होगा। टोटल मैंने 14 खरबूज बनाकर रेडी की थी। अब गर्म पैन पे हमें इसे सेकना है, बहुत जल्दी ये सेक जाता है, ये देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं एक मिनट बाद ही। इसे हमें टर्न कर लेना है, गैस मीडियम लो पर ही है और ये देखिए हमारे मस्त मिनी शोरमा के खरबूज बनकर रेडी हो रहे हैं। जब दोनों साइड अच्छे से सिक जाए तब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। देख सकते हैं हमारे सारे खरबूज रेडी है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, एकदम बाहर जैसे ही लग रहा था। फिर हम इसे एक नाइफ से बीच में से कट करेंगे, पूरा नहीं कट करना है, आधा ही कट करना है। ये देखिए ऐसा ही आधा कट करना है हमें। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप लेटस, मतलब जो बर्गर में यूज होते हैं वो लेटस हमने कट करके रख दिए थे लंबा लंबा। और फिर सबसे पहले हम खरबूज पे लगाएंगे हमारा मेयोनीज जो हमने रेडी की थी। आप एक्स्ट्रा मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं बट मैं सिर्फ यही मेयोनीज लगा रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शेजवान चटनी, ये मार्केट की शेजवान चटनी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से फैला देंगे। फिर इसमें हम रखेंगे हमारा लेटस, आप चाहे तो गोभी भी यूज कर सकते हैं बट लेटस से बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आता है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर हमारे चिकन रख देंगे डायरेक्टली। तो देखा हमारा मिनी शोरमा बनकर तैयार है। अब आप क्या कर सकते हैं कि चिकन को ऐसा बीच में से तोड़ तोड़ के भी रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली शोरमा का पीसेस टूटे हुए होते हैं क्योंकि वो कट करके देते हैं। तो देखा ऐसे ही मैंने रेडी कर ली थी 9 मिनी शोरमा, और भी मेरे खरबूज बचे थे। तो आपको कैसी रेसिपी लगी ये ज़रूर बताना और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी बनती है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।